बहू की माँ आई ससुराल। पार्ट वन। सरोज अपनी बेटी आरोही के ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहने आती है। उसकी ससुराल में सास बरखा, ससुर देवराज, पति चिराग, 4 साल का छोटा बेटा नक्श, जेठानी स्वरा और जेठ प्रतीक होते हैं। अब देखते हैं जब बहू की माँ उसके ससुराल में पधारती है तो क्या क्या होता है। समधन जी, समधी जी, आप दोनों को मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे सरोज जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? बहू ने हमें बताया कि कैसे वहाँ आपके मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं और बीमारियाँ भी फैल रही हैं। आप अकेली रहती हैं और आपकी सलामती और सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है जी। हाँ समधन जी, आप इस घर को अपना ही घर मानिए। और वैसे भी ये सारी समाज की बेतुकी बातें हैं ना कि एक माँ अपनी लड़की के ससुराल में नहीं जा सकती, उसे शोभा नहीं देता, ये वो। आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, आपका इस घर में स्वागत है आंटी जी। लेकिन तुम थोड़ी ना इस घर की मालकिन हो स्वरा। तो तुम क्यों इतनी महान बनकर मेरा स्वागत कर रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली इस घर की हर छोटी सी छोटी बात, छोटे से छोटे फैसले सब स्वरा भाभी ही करती हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? बढ़िया है। अब सरोज घर में रहने लगती है और रहते हुए वो देखती है कि स्वरा बहू, आज तुम ही सोच लो क्या बनेगा खाने में, ठीक है? और स्वरा बहू, जरा इन 3 रंगों में से कोई एक चूज करके बताओगे कि कौन सा हमारे घर की दीवारों पर सूट करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने में घर का रेनोवेशन करवा लेते हैं। जी, ये पीला रंग काफी सुंदर लग रहा है और हमारे घर में जचेगा भी। स्वरा भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। और हाँ, मेरी नजर भी उतार दो। आप जब जब मेरी नजर उतारती हो ना, दिन अच्छा जाता है। ठीक है ठीक है। स्वरा चाची, मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। मम्मा अच्छा नहीं बनाती, आप टेस्टी बनाती हो। स्वरा, मेरा टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। पूरा घर घूम फिर कर बस स्वरा को ही महत्व देता है और दिन रात सभी बस स्वरा के ही गुणगान गाते रहते। इस सब को देख सरोज को बहुत जलन महसूस होती है और वो गुस्से से अपनी बेटी आरोही को अकेले में कहती है, अरे तेरे ऊपर का माला खाली हो गया है लगता है। ऊपर का माला? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी, इस घर में कोई ऊपर का माला ही नहीं है और मैं तो नीचे के कमरे में रहती हूँ ना। अरे गधेड़ी, मेरे कहने का मतलब तेरे दिमाग से है, दिमाग खोपड़ी। ओह अच्छा अच्छा। आरोही, तू इतने सालों की शादी में सो रही थी क्या? वहाँ तेरी जेठानी ने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया और तू है कि यहाँ वो सर्कस के जोकरों की तरह खी खी खो खो करती रहती है। तुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं देता, यहाँ तक कि तेरा पति भी भाभी के नाम की माला जपता है और तेरा बेटा वो भी सिर्फ चाची चाची करता रहता है। दिन के 8 पहर सारे फैसले सारा महत्व सिर्फ और सिर्फ स्वरा को ही मिलता है। तो अब मैं क्या करूँ फिर? अरे सोती रहे बस। अरे घन चक्कर, तेरी आंखें कब खुलेगी? जब ये सारे लोग तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे तब तुझे अपने बच्चे के, अपने अपने पति चिराग के भविष्य के बारे में कुछ पड़ी भी है कि नहीं? ऐसे सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहेगी तो तेरे और तेरे बच्चे के हाथ से कब रेत की तरह प्रॉपर्टी चली जाएगी तुझे खबर भी नहीं पड़ेगी। अपने ससुराल वालों को अपनी ओर कर, अपने पति को अपनी मुट्ठी में रख, वरना बहुत देर हो जाएगी आरोही। हाँ लेकिन आप बस मुझे डांटती रहोगी या फिर इस सब का कोई सोल्यूशन भी दोगी? कैसे करूँगी मैं अपने ससुराल वालों को अपनी ओर? कैसे मैं चिराग को अपनी फैमिली की माला जपने से रोकूँ? हाँ मम्मी हाँ। अरे तू चिंता मत कर उस सब की, अब तेरी माँ आई है ना तेरे ससुराल में, अब देखना तुझे सब सिखाऊंगी। और अब तो इस खुराना खानदान की बड़ी बहू स्वरा की छुट्टी मैं करा कर ही दम लूंगी। अब सरोज आरोही को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और रोज उसे नई नई चाले चलना सिखाती है। आरोही भी आंखें बंद कर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती रहती है।
मुझे नहीं पता चिराग, बहुत हुआ तुम्हारा। हर महीने अपनी 70% सैलरी तुम सासू माँ को और ससुर जी को दे देते हो। अरे नक्श के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है कि नहीं? बस दो वक्त की रोटी खिलाने से, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाने से और घर खर्च देने से सब कुछ नहीं हो जाता? जेठ जी भी तो देते हैं ना पैसे, और ससुर जी की भी पेंशन आती है। Why do you worry then? अरे पर आरोही, बस अब पर भर गया चने की खेत में। मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हें हमारे बच्चे नक्श की सौगंध। तुम अब से घर में अपनी सैलरी का सिर्फ 30% दोगे और बाकी की सैलरी हम तीनों की होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, अब तुम अपने फैसले से टस से मस होने वाली हो नहीं। फिर अगले दिन आरोही और सरोज स्वरा ने बनाई हुई चाय में नमक मिला देती हैं और सभी उस चाय को पीकर खराब मुंह बनाते हैं। हाय हाय हाय, ये चाय है या कोई बेस्वाद काढ़ा? स्वरा, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ से हो रहा हर काम बिगड़ रहा है। कभी मेरे शर्ट की खराब इस्त्री करती हो, कभी पापा की दवाइयाँ देना भूल जाती हो, माँ का मंदिर में चढ़ाने वाला भोग भी नहीं बनाती सही से, कल मीठे की जगह मिर्च डाल दी और अब चाय में नमक। स्वरा, तुझे अपनी हरकतें सुधारनी होगी। पिछले कुछ दिनों से आरोही बहू कितना अच्छा काम कर रही है और तू है कि गलतियों पे गलतियां किए जा रही है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं तो सब सही सही करती हूँ, लेकिन फिर बाद में क्या कैसे कब बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता। इसका मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि ये सब तुम नहीं कोई और कर रहा है, हैं? भाभी वाह, क्या बहाना है। सही है। स्वरा जो भी करती, सरोज और आरोही उस काम को बिगाड़ देती। रसोई का खाना हो, आंगन के कपड़े हो या घर की सफाई, कभी खाने में कुछ मिलाकर, कभी कोई शोपीस तोड़कर या कोई और चाल चलकर, सरोज और आरोही इस तरह स्वरा को परिवार वालों की नजरों में बुरा बनाने लगते हैं। एक दिन आरोही अपनी सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए बरखा के पास तेल की कटोरी लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तू मेरे पास आई? उफ़ सासू माँ, माना कि मैं थोड़ी सी ढीली हूँ कामकाज में, लेकिन फिर भी मुझे इस घर में मौजूद हर एक सदस्य की चिंता रहती है और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं इतना दिखावा नहीं करती जैसे जेठानी जी करते हैं। अच्छा चलिए वो सब लाइए, मैं आपके घुटनों की मालिश कर दूँ। वाह वाह वाह, चलो अच्छा है। अब स्वरा की बुद्धि तो घास चलने जा रही है दिन ब दिन। अब जब तू सुधरने लगी है तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आरोही बहू। आरोही अब बरखा और बाकी घर वालों की नजरों में बहुत अच्छी बनने लगती है। महीने के अंत में जब प्रतीक और चिराग दोनों की तनख्वाह आ जाती है, तभी घर में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है? माना कि स्वरा और मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आगे चल के तो होगा ही ना, और तू 30% सैलरी देगा तो कैसे चलेगा? इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, तू भी है। प्रतीक भाई, आप अपनी ये ऊंची आवाज मुझ पर मत चलाइए। घर का छोटा बेटा हूँ इसलिए सब मुझे कुछ भी बोलते हैं, और मेरी बीवी और बेटे को इज्जत नहीं देते। घर चलाना, गृहस्थी चलाना कोई कैरम या लूडो खेलने का काम नहीं है। आप कैसे समझेंगे? शादी के इतने साल हो चुके हैं, फिर भी आपकी एक भी संतान नहीं हुई अब तक। चिराग, तेरी इतनी हिम्मत! हे भगवान, ये पैसों का झगड़ा अब निजी मामलों तक जा रहा है। दोनों भाइयों में बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है और ये देखकर सरोज मन ही मन बेहद खुश होती है। अब सरोज के बिछाए इस जाल में क्या होगा आगे? रिश्ते टूटेंगे या जुड़ेंगे? बहू की माँ के ससुराल में आने से सब ठीक हो जाएगा या बुरी तरह बिखर जाएगा? कैसा मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए देखना मत भूलिए इस कहानी का दूसरा भाग।